तो नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है भाई हमारे चैनल पे। और दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको हमारी जो लास्ट वीडियोस हैं पसंद आई होगी। अपनी एक पहचान बनाना चाहते हैं, कुछ अर्निंग करना चाहते हैं, सीधा चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और दिखाते हैं कि लोगो बनाने से पहले आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, एक वेबसाइट कैसे सेटअप करनी है और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कौन सी हमें सॉफ्टवेयर या प्लगइन जो उसमें डालने हैं वेब स्टोरी रन करने के लिए। फ्री पिक से मैं सर्च करके देखता हूँ, मैंने एक्सप्रेस लोगो लिख दिया यहाँ पे और देखते हैं क्या क्या सैंपल हमें यहाँ मिल रहे हैं और डिलीट करने के बाद हमें बाकी न्यू पेजेस ऐड करने हैं। तो भाई यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हो एक ही पेज है जो प्राइवेसी पॉलिसी रिलेटेड है, वो भी ड्राफ्ट में पड़ा हुआ है, लाइव नहीं है, तो इसलिए हमें इसको डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है। हमें क्या करना है, सिर्फ न्यू पेजेस ऐड करने हैं। तो अभी हम क्या कर लेते हैं, हम नया पेज ऐड कर लेते हैं। यहाँ से भी आप क्लिक कर सकते हो, यहाँ से भी आप क्लिक कर सकते हो। तो नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है भाई हमारे चैनल पे। और दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको हमारी जो लास्ट वीडियोस हैं पसंद आई होगी, पसंद इन द सेंस कि भाई समझ में आई होगी, क्योंकि हम बात कर रहे हैं वेब स्टोरी फ्री कोर्स के बारे में। तो हमने ऑलरेडी दो वीडियोस डाल दी हैं चैनल के ऊपर। फर्स्ट वीडियो में हमने एक्सप्लेन किया था कि हमें कैसे डोमेन चूज करना चाहिए, डोमेन किस तरह के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, तो सारा डिटेल में हमने डिस्कशन की थी। जिसने अभी तक नहीं देखी अभी जाके देख लो। उसके बाद हमने वेब होस्टिंग बाय की और डोमेन बाय किया तो कैसे वेब होस्टिंग को बाय करना है, क्या प्रोसीजर फॉलो करने हैं, क्या स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं यूएसए वेब स्टोरेज के लिए, तो हम आपने लास्ट वीडियो में भाई देखा होगा। और अभी हम जा रहे हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट पे जाने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर जिन्होंने फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा तो पहले जाके वो फर्स्ट और सेकंड पार्ट को देख ले, क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जो आपको पता होना बहुत जरूरी है। अगर आपको वो चीजें नहीं पता है और आपने स्किप कर दी है तो भाई थर्ड पार्ट पे जाने कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये है लर्निंग वीडियोस, यहाँ कोई एंटरटेनमेंट तो है नहीं। किसी को अगर एंटरटेनमेंट करना है, मजे लेने हैं, जिसको ये बेसिक नॉलेज पहले से है तो भाई वो यहीं से क्विट करके निकल सकता है, हमें बुरा नहीं लगेगा। क्योंकि ये जो स्पेशल कोर्स आया है सिर्फ जो पेड कोर्स के अगेंस्ट हमने ये फ्री कोर्स उन पर्संस के लिए रखा है, उन लोगों के लिए रखा है जो वाकई में अपना करियर शुरू करना चाहते हैं, वाकई में डिजिटल मार्केटिंग में अपनी एक पहचान बनाना चाहते हैं, कुछ अर्निंग करना चाहते हैं। लास्ट वीडियो जैसे हमारी कुछ काफी ज्यादा इंस्पिरेशनल रही है पर्संस के लिए, लोगों के लिए, कि आपने सर इतना पैसा कमाया वेब स्टोरी से, लाखों रुपए आपने कैसे कमाए वेब स्टोरी से, मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आए, बहुत सारे लोगों ने मेरे को कनेक्ट किया इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, यूट्यूब पे। तो उसके बाद हमने डिसाइड किया था कि ये कोर्स लेके आएंगे भाई। तो कोर्स ऑलरेडी लाइव है, दो वीडियोस आ चुकी हैं, ये हमारी है थर्ड वीडियो। आज हम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि एक ब्लॉगर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, एक वेबसाइट। तो एक वेबसाइट को कैसे सेटअप करते हैं, क्या क्या चीजें हमें ध्यान रखनी है, क्या इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हमें कवर करने हैं उसके अंदर, वो सारी चीजें हम स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल सिंपल तरीके से एक एक स्टेप हम इसमें कवर करने वाले हैं। पूरी वेबसाइट को हम सेटअप करेंगे लाइव सिस्टम के ऊपर, एक एक चीज आपको हम दिखाने वाले हैं, शेयर करने वाले हैं कि जो भी बिगनर है उसको कहीं पे भी डिफिकल्टी ना हो सीखने में। हमने कोशिश की है कि एक एक पॉइंट को, एक एक स्मॉल स्मॉल जो चीज हमें कवर करनी चाहिए हमने कवर की है। माइट भी हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी जा रही हो, बट लंबी होना जरूरी था, क्योंकि अगर हम वीडियो को शॉर्ट करेंगे तो काफी चीजें स्किप हो जाएंगी और जिसकी वजह से आप स्ट्रगल करते रहोगे, आपके करियर के इंपॉर्टेंट डेज उससे क्या होते हैं, स्पॉइल होते हैं, वेस्ट होते हैं भाई। तो हम नहीं चाहते कि आपके वो दिन वेस्ट हो। तो आज हम कवर करेंगे कि एक वेबसाइट कैसे सेटअप करनी है और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कौन सी हमें सॉफ्टवेयर या प्लगइन जो उसमें डालने हैं वेब स्टोरी रन करने के लिए। तो हम उसको स्टार्ट करने से पहले एक चीज मैं आपको मेंशन कर देता हूँ, कोई भी वेबसाइट बनाने के लिए हमें एक लोगो होना बहुत जरूरी है जो आपके ब्रांड को एक पहचान देता है। तो भाई हमने डोमेन बाय कर लिया है, आपने देख लिया डोमेन बाय हो गया, होस्टिंग हमने बाय कर लिया जहाँ पे अपनी वेबसाइट सेटअप करनी है। अब बारी आती है हमारे लोगो की। तो एक लोगो को कैसे हम निकालते हैं, कैसे सर्च करते हैं, वो सारी चीजें हम देखने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम भाई सीधा चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और दिखाते हैं कि लोगो बनाने से पहले आपको किन चीजों का ध्यान रखना है, क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो हमें कवर करनी है लोगो को आउट करने में, बनाने में। एक बेस्ट लोगो आपका ब्रांड इमेज बन सकता है। तो हम चलो सीधा चलते हैं सिस्टम की स्क्रीन पे और बताते हैं कैसे एक लोगो बनाना है हमें। तो भाई लोगो बनाने से पहले आपको अपना डोमेन का नेम कंफर्म है, आपने डोमेन बाय कर लिया है, जैसे हमने लास्ट वीडियो में दिखाया था हमने यूएसए एक्सप्रेस ब्लॉग डोमेन बाय किया है। तो सीधा अब बताते हैं कि यूएसए एक्सप्रेस ब्लॉग के ऊपर हम कैसा लोगो बना सकते हैं। तो भाई स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लेते हैं ऑन, उसके बाद हम सीधा चलते हैं भाई कैसे। सीधा भाई अभी मैंने अपना टूल खोल लिया है फोटोशॉप और
साथ में एक जहाँ से मैं रेफरेंस लोगो उठा सकता हूँ। फ्री पिक से मैं सर्च करके देखता हूँ, मैंने एक्सप्रेस लोगो लिख दिया यहाँ पे और देखते हैं क्या क्या सैंपल हमें यहाँ मिल रहे हैं। तो आप कोई भी एक रेफरेंस लोगो यहाँ से उठा सकते हो और उससे आइडिया लेके आप दोबारा अपने हिसाब से लोगो जनरेट कर सकते हो। तो यहाँ पे स्क्रीन में आप देख पा रहे हो, तो मैंने एक्सप्रेस यूएसए एक्सप्रेस लोगो मैंने जब डाला तो मेरे सामने कुछ सैंपल्स दिख रहे हैं, काफी इंटरेस्टिंग सैंपल्स लग रहे हैं मुझे। तो इसमें से देखते हैं हमें कौन सा पसंद आता है। जो भी लोगो हमें पसंद आएगा हम उसको दिखाएंगे कि कैसे एक लोगो हम एडिट करके यूनिक बना सकते हैं, इससे हम कॉपीराइट से भी बच सके और बाकी चीजों से बच सके। भाई ये लोगो मेरे को थोड़ा सा पसंद आ रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस लोगो में हमारी यूएसए से रिलेटेड काफी चीजें कवर हो रही है, बट ये जो राउंड सर्कल है मुझे राउंड नहीं मुझे स्क्वायर में चाहिए। तो कोई और रेफरेंस देखते हैं इसमें कि हमें और कोई रेफरेंस मिल सकता है क्या। तो थोड़ा सा टाइम लगता है भाई इन चीजों को कवर करने के लिए, बट व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग तो भाई टाइम मैटर नहीं करता, लर्निंग मैटर करती है। तो मैंने एक ये सैंपल लोगो यहाँ डाउनलोड कर लिया है, तो देखते हैं कि इसमें से कोई हमें पसंद आता है कि नहीं आता है। तो चलो सीधा मैंने ये सैंपल लोगो उठा लिए हैं और मुझे अब अपने वेबसाइट के लिए अपने ब्लॉग प्लेटफॉर्म के लिए लोगो जनरेट करना है। तो फटाफट हम क्या करते हैं यहाँ पे इसको सेटअप करते हैं और उसके लिए इनमें से मैं कोई भी एक रेफरेंस लोगो उठा लेता हूँ और उसको उठा के हम सीधा एडिटिंग चालू करेंगे। बेसिक सी एडिटिंग करनी है आपको, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, मुझे स्केयर में चाहिए। मेरा गोल मेरा क्लियर है कि मुझे स्केयर में लोगो चाहिए, तो मैं स्केयर के हिसाब से एक डायमेंशंस उठा लेता हूँ, मुझे कितना बड़ा लोगो चाहिए तो उसके हिसाब से मैं इसको उठा रहा हूँ और मैं कलर थीम चूज़ कर रहा हूँ। यूएसए का नाम लिया तो यूएसए की हम फ्लैग थीम उठा लेते हैं, फ्लैग थीम के हिसाब से हम यहाँ लोगो जनरेट करेंगे। तो सीधा मैंने यूएसए की फ्लैग थीम उठाई है मैंने और यूएसए का फ्लैग मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, तो फ्लैग के हिसाब से हम ये लोगो बनाएंगे। तो मैंने देखिए यहाँ पे फ्लैग सर्च किया है और मुझे काफ़ी अच्छे अच्छे फ्लैग्स दिख रहे हैं यहाँ पे। तो कोई भी एक फ्लैग उठा लेते हैं हम यहाँ से और उसके हिसाब से हम थोड़ा सा आप अपना क्रिएटिविटी दिखाएंगे और लोगो बनाएंगे। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि फ्लैग मेरा डाउनलोड हो गया है। तो यहाँ पे मैं सीधा जाता हूँ और इसको फोटोशॉप में हम लेके चलते हैं और इसकी एडिटिंग चालू करते हैं। तो भाई ये फ्लैग आ गया है हमारा यहाँ पे, तो इसको अब एडिटिंग कर लेते हैं। एडिटिंग में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट मैं एक चीज़ आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि जितना आप टाइम स्पेंड करेंगे इन चीज़ों के ऊपर उतना ज़्यादा बेटर होगा। मैं यहाँ पे जो भी कलर कॉम्बिनेशन है, एक्चुअल जो फ्लैग का कलर कॉम्बिनेशन है, वो सारे कलर्स यहाँ पे पिक कर रहा हूँ। और यहाँ पे आप देखिए कि मैंने रेफरेंस ले लिया है जो यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, सेम सा वैसा सा कुछ हम ट्राई करेंगे बनाने का और देखते हैं कि बनता है कि नहीं बनता है। यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि कैसे हम एक बढ़िया सा लोगो बना देंगे। तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए और यहाँ पे हमारा लोगो बनना स्टार्ट हो गया और मुझे अभी अपना जो टेक्स्ट है, जो मेरे डोमेन नेम है, वो टेक्स्ट हम ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले मेरे डोमेन में यूएसए है तो हम सीधा यहाँ पे यूएसए ऐड करते हैं। यूएसए मैंने उठा लिया है, इसमें मेरे को जो मेरी फॉन्ट थीम है, मैं फॉन्ट थीम इसको पिक कर रहा हूँ। फॉन्ट जो भी मुझे लगाना है मैंने यहाँ पे अपना लगा दिया है यूएसए और मुझे यही फॉन्ट पसंद आया था। तो देखिए भाई मैंने यूएसए यहाँ पे एंटर कर दिया है। अब मुझे एक्सप्रेस और ब्लॉग और ऐड करना है इसके अंदर, तो वो और ऐड कर लेते हैं। उसके बाद थोड़ा सा स्लो इसलिए कर रहे हैं हम कि आपको सारी चीज़ें क्लियरली समझ में आए कि आसानी से आप भी एक लोगो कैसे बना सकते हो, इतना ईजिली एक लोगो कस्टमाइज कैसे कर सकते हो आप। तो आप स्क्रीन पर देख रहे हो कि लोगो हमारा कस्टमाइज हो रहा है, तो यहाँ पे फटाफट लोगो बना लेते हैं और जैसे ही लोगो बन जाएगा क्विकली से आपको दिखाते हैं कि हमारा लोगो तैयार हो गया है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा टाइम लगा देता हूँ उस पर, फटाफट इसको क्लियर कर देते हैं, बना देते हैं इसको और फिर सीधा हम वेबसाइट पे मूव करेंगे, वेबसाइट सेटअप करेंगे। तो वीडियो को स्किप मत करना, जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दो फटाफट यहीं पे, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो जब तक लोगो बन रहा है भाई, फटाफट कर लो क्योंकि यहाँ पे हम बढ़िया सा इंटरेस्टिंग सा लोगो बनाने वाले हैं। तो आपके स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो कि हमने आपके सामने कितना अच्छा सुंदर सा लोगो बना दिया है। यहाँ पे अभी हाफ बना है तो थोड़ा सा और बनेगा, इसमें हम स्टार और लगा लेते हैं। तो ये स्टार लगा के इसको अभी हम रेडी कर देते हैं। तो स्टार अभी इसमें एंटर कर रहे हैं हम, यहाँ पे देखिए स्टार आपके एंटर हो गए हैं। तो इसके बाद इमिडिएटली हम सीधा मूव करेंगे वेबसाइट सेटअप पे और जैसे ही वेबसाइट सेटअप होगा तो आपको एक एक चीज़ डिटेल में बताएंगे। तो अभी हम लोगो रेडी कर लेते हैं और सीधा फाइनल आपको आइडिया मिल गया कि लोगो कैसे बनाया हमने। जैसे ही लोगो बन जाएगा तो सीधा हम वेबसाइट सेटअप पे चलेंगे, तो सीधा लोगो बना के दोबारा कनेक्ट करते हैं। अभी वीडियो को एक बार यहाँ पॉज कर लेते हैं क्योंकि टाइम ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, उसके बाद सीधा वेबसाइट सेटअप पे मिलेंगे। सो दोस्तों, जैसे आपने देखा कि हमारा लोगो ऑलमोस्ट रेडी हो गया भाई और लोगो रेडी हो गया आपके सामने स्क्रीन पे, थोड़ा बहुत अलाइनमेंट पेंडिंग है इसकी, ये अलाइनमेंट भी कर लेते हैं। और बिल्कुल ये देखिए यहाँ पे हमारा लोगो बिल्कुल एकदम सेट हो गया, हल्की फुल्की अलाइनमेंट है। तो वीडियो लंबी हो रही है इसलिए मैं फास्ट फॉरवर्ड में कर रहा हूँ उसको भाई, फटाफट इसकी अलाइनमेंट कर देते हैं और अलाइनमेंट होने के बाद हमारा लोगो हो जाएगा रेडी। तो यहाँ पे हमारा लोगो ऑलमोस्ट रेडी हो गया भाई। कस्टम लोगो कितना इंपॉर्टेंट होता है आप यहाँ पे देख सकते हो, क्योंकि
कस्टम लोगो अगर आपके पास है तो भाई ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है, क्योंकि कस्टम लोगों के साथ आप अपना ब्रांड बनाते हो। जब आपका लोगो ब्रांड बनता है तो भाई आपका वेबसाइट दिखने लगता है, क्योंकि वेबसाइट के ऊपर एक अच्छा लोगो होना बहुत ज़रूरी है। US में लोग सारे एजुकेटेड है, आप इंटरनेशनल ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो, तो एक अच्छा लोगो आपकी साइट को इम्प्रेसिव बनाता है, और कल को जब आपकी साइट फेमस होती है तो आपका लोगो ब्रांड बन जाता है भाई। तो लोगो पे थोड़ा टाइम स्पेंड करना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे आपका अच्छा लोगो बन जाएगा तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्लियर हो जाता है कि हमने अपना एक अच्छा सा लोगो बना लिया है। उसके बाद हमें थीम सेटअप करना है और प्लगइन इंस्टॉल करने हैं। इस वीडियो में हम सिर्फ थीम सेटअप और प्लगइन तक का ही देखेंगे, क्योंकि आर्टिकल हम नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। आर्टिकल डालने से पहले हमें एक कीवर्ड रिसर्च कैसे करना है, या उसका छोटा जो बेसिक डिजाइन होता है वो डिजाइन को भी हम कवर करेंगे। तो हम कोशिश करेंगे एक एक चीज को कवर करें वीडियो के अंदर, सो दैट आपको भी समझ में आए, आप हर एक छोटी छोटी चीजों को आप समझ पाओ। तो मैंने जैसे ये नोट डाउन किया हुआ है, हमने फर्स्ट स्टेप क्लियर कर दिया, हमारा लोगो बनके तैयार हो गया है। और लोगो बनने के बाद अभी हम सीधा वेबसाइट पे मूव करेंगे। अभी हमें इसके लिए हमें जाना पड़ेगा होस्टिंगर पे, जहाँ पे हमने ऑलरेडी दो डोमेन हमारे बाय किए हुए हैं। तो ये हमारे यहाँ पे दोनों डोमेन रखे हुए हैं भाई। इससे पहले हम आगे बढ़े, एक बार हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग चेक कर लेते हैं अपनी, स्क्रीन रिकॉर्डिंग चल रही है कि नहीं चल रही है भाई, क्योंकि ये मैं रीटेक ले रहा हूँ भाई आपको बताने के लिए कि मैंने पूरा का पूरा सेटअप कर दिया था, अब दोबारा से रीटेक लेना पड़ रहा है मुझे। ये नीचे वाले डोमेन पे मैंने पूरी वेबसाइट सेटअप कर दी थी, बट स्क्रीन रिकॉर्डिंग किसी वजह से नहीं आई है, तो आज हमारा दूसरा डोमेन भी काम आ रहा है। तो भाई हमने लॉगिन कर लिया सिंपली अपनी आईडी के साथ, जिस आईडी से हमने इसको बाय किया था, और हम स्क्रीन पे आ गए हैं। अभी हम सेकंड जो डोमेन हमने बाय, फर्स्ट जो डोमेन हमने अब लास्ट वीडियो में देखा होगा जो बाय किया था, उस पे अभी हम सीधा मैनेज पे जाएंगे। और मैनेज पे जाने के बाद आपको कुछ ऐसा स्क्रीन दिखेगा। ये स्क्रीन जैसे ही आप आ जाओगे तो इसके ऊपर सीधा सीधा आपने क्या करना है, तो मैनेज योर होस्टिंग प्लान है यहाँ पे, तो आप इसको होस्टिंग प्लान भी आप इसका मैनेज कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, सीधा आप यहाँ पे गए, आपने मैनेज डोमेन किया, मैनेज डोमेन करने के बाद हम यहाँ आ गए हैं, ठीक है। आने के बाद हमें अपनी वेबसाइट करनी है एक्टिव, तो सीधा हम जाएंगे हमारे वेबसाइट के, ये हमारा जो होस्टिंग प्लान है हमारा, ये हमारे को यहाँ पे जो हमारा कंट्रोल पैनल है वो अभी हमें यहाँ पे दिखना शुरू हो गया है, ठीक है। तो अभी हमने कुछ नहीं करना, हमारी वेबसाइट पे जाना है, ऑप्शन पे ऊपर आपको वेबसाइट का ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पे एक वेबसाइट का एडमिन पैनल हमने सेटअप कर दिया है, दूसरी का भी हम करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको एक ऑप्शन मिल रहा होगा, क्रिएट और माइग्रेट वेबसाइट, तो आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है और सीधा आपको ये वाला ऑप्शन मिलेगा। लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको दिखाया था, ध्यान से देख लेना, ये ऑप्शन मिलेगा। इस ऑप्शन में आपके सामने स्क्रीन पे देखिए व्हाट इज योर वेबसाइट टाइप, किस टाइप की आप वेबसाइट बना रहे हैं, ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमें किस टाइप की वेबसाइट बनानी है, तो हम बड़ा सिंपली है, हम वीडियो ज्यादा लंबी हो रही है, हम सीधा ब्लॉग वेबसाइट हम बनाने जा रहे हैं, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, तो हम ब्लॉग वेबसाइट बना रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिल रहे हैं, क्रिएट ए न्यू वेबसाइट और माइग्रेट योर एग्जिस्टिंग वेबसाइट। माइग्रेट माई वेबसाइट का मतलब एग्जिस्टिंग, कोई आपने पहले से कोई वेबसाइट बना रखी है तो आप उसको भी माइग्रेट कर सकते हो। तो हम भाई नई वेबसाइट बना रहे हैं, यहाँ पे हम सिंपल सा क्लिक करेंगे कि हमें क्रिएट न्यू वेबसाइट पे क्लिक करना है और आगे जाना है। तो यहाँ पे आपको फिर से दो ऑप्शन मिल रहे हैं कि वर्डप्रेस में बनानी है या होस्टिंगर बिल्डर के साथ भी आप बना सकते हो। तो मैं रिकमेंड करता हूँ वर्डप्रेस में बनाओ, क्योंकि वर्डप्रेस में मैनेज करना इजी होता है। तो हम सीधा वर्डप्रेस को सेलेक्ट करेंगे और आगे चलेंगे। यहाँ पे आपको स्क्रीन पे देखेंगे लैंग्वेज ऑप्शन मिल रहा है, उसके बाद आपका एडमिन आईडी मिल रहा है, और जो भी पासवर्ड आप रखना चाहते हो वो पासवर्ड आप यहाँ पे रख सकते हो, जो भी आपके लिए इजी टू एक्सेस हो, जिसको आप याद रख सको। तो भाई मैंने पासवर्ड डाल दिया और नेक्स्ट स्क्रीन पे आ गया। नेक्स्ट स्क्रीन पे मुझे कुछ बाय डिफॉल्ट प्लगइन्स मिल रहे हैं जो हमें काम आने वाले हैं आगे जाके। तो मैं इन प्लगइन्स को एक बार अभी कर रहा हूँ रिमूव, क्योंकि बाद में जब हमें रिक्वायरमेंट आएगी तो मैं जो हमारा पूरा प्रोसीजर है, स्टैंडर्ड प्रोसीजर है हमारा, उसमें जब प्लगइन का पार्ट आएगा तो हम इनको पूरे प्लगइन्स को कवर करेंगे, हमें कौन कौन से प्लगइन्स चाहिए। तो यहाँ पे WP फॉर्म है जो आपका ईमेल के लिए, कॉन्टेक्ट अस के लिए यूज होता है, ऑल इन वन SEO भी आप यूज कर सकते हो, हम रैंक मैथ यूज करने वाले हैं, WooCommerce होता है जो ई कॉमर्स की वेबसाइट्स बनती है, गूगल साइट किट हमें डेफिनेटली रिक्वायर्ड होगा, आगे जाके हम इनको कॉन्फ़िगर करेंगे। तो अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट ऑप्शन के ऊपर, जहाँ पे आपको थीम सेलेक्ट करनी है। तो भाई थीम सिलेक्शन का एक सिंपल सा क्राइटेरिया होता है कि आपको पहले ये देखना है कि आपकी वेबसाइट बना किसके रह रहे हो। आप न्यूज वेबसाइट बना रहे हो तो कोई न्यूज से रिलेटेड थीम आप चूज कर सकते हो, आप आर्टिकल से रिलेटेड वेबसाइट बना रहे हो तो मैं रिकमेंड हमेशा दो ही मैं आपको थीम रिकमेंड करता हूँ, एस्ट्रा और जनरेट प्रेस। तो ये आपकी चॉइस है, आप कौन सी थीम यूज करना चाहते हो। तो जैसे कि मैं अभी एस्ट्रा के साथ जा रहा हूँ, क्योंकि हम एक वेबसाइट का सेटअप कर रहे हैं, तो मैं यहाँ से एक थीम सिलेक्ट कर लिया मैंने एस्ट्रा, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि बाय डोमेन का ऑप्शन दे रहा है और यूज एग्जिस्टिंग डोमेन। तो हमें क्या करना है, हमें एग्जिस्टिंग डोमेन यूज करना है, और यहाँ पे हम हमारा डोमेन का नेम लिखेंगे। तो हमारा जो डोमेन नेम है हमारा है USA Express Blogs.com। तो हमने अपना डोमेन का नाम लिख
लिख दिया भाई यूएसए expressblogs.com। तो हमने यहाँ पे डाला तो ये कह रहा है जी द डोमेन इज ऑलरेडी होस्टेड विद द होस्टिंगर। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, एक बार हमें बैक जाना पड़ेगा क्योंकि हमने आई थिंक कोई ऑप्शन जो है स्किप कर दिया है। तो हमने वेबसाइट सेटअप करने के लिए डोमेन तो सही सिलेक्ट किया था, तो यहाँ पे हम न्यू वेबसाइट पे ही हम आए हैं और हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम डोमेन क्यों सिलेक्ट करने नहीं दे रहा था। तो हम सीधा फिर से वहीं आ गए हैं एक्सप्रेस ब्लॉग पे हमारे, और हमने यहाँ से अपना डोमेन कर लिया है सिलेक्ट। यहाँ से अगर हम देखते हैं तो हमारी जो वेबसाइट दिख रही है तो ऐसे दिख रही है, हाउ आई कैन माइग्रेट, हाउ टू इंस्टॉल ऑटो इंस्टॉलर। तो हम भाई सिंपल सा है, हम इसको इंस्टॉल पे जाते हैं और इंस्टॉल पे जाने के बाद इसने ऑप्शन दिए हुए तो आप इसको ऑटो इंस्टॉल कर सकते हो। तो बड़ा सिंपल सा इसने मेंशन किया हुआ है कि वेबसाइट्स पे जाइए, वर्डप्रेस पे जाइए, वर्डप्रेस पे जाके इंस्टॉल वर्डप्रेस का ऑप्शन आपको मिल रहा है। तो ये इश्यूज़ कई बार आ सकते हैं, तो हम जो भी कर रहे हैं रियल टाइम कर रहे हैं सो दैट आपको ईजिली समझ में आ जाए। तो यहाँ पे हम आपके सामने वर्डप्रेस इंस्टॉल कर रहे हैं, तो ये वर्डप्रेस का प्रोसीजर जैसा अभी हमने किया था सेम प्रोसीजर फिर से आ रहा है हमारे सामने। तो हम फिर से यूज़र आईडी पासवर्ड डाल के हम जा रहे हैं नेक्स्ट। तो हमारी जो वेबसाइट का नाम है वो है usaexpressblogs.com। तो ये अभी हमें टाइटल क्रिएट करने के लिए कह रहा है usaexpressblogs हो गया अभी हमारा। तो हमने कर दिया है नेक्स्ट, तो ये हमने कर दिया है सेव। जैसा कि दोस्तों स्क्रीन पे देख रहे हो, आपके स्क्रीन पे आपको ऑप्शन मिल रहा है कि कौन सा वर्जन आपने इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो आ रहा है आप ले सकते हो क्योंकि ये बाद में ऑटोमेटिकली अपग्रेड होता रहता है। तो आप इसको ऑटोमेटिकली अपडेट पे ऑलवेज अपडेट द लेटेस्ट वर्जन के साथ आप जा सकते हो और ये ऑटोमेटिकली आपका जो भी लेटेस्ट वर्जन होगा वो इंस्टॉल कर देगा। यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो कि आप वर्डप्रेस यहाँ पे इंस्टॉल होना शुरू हो गए हैं। तो ये थोड़ा सा टाइम लेता है कई बार, ऐसी देखो रियल टाइम करने का फ़ायदा ये होता है कि कई बार डिफ़िकल्टीज जो आती हैं वो आपको स्क्रीन पे दिख जाती हैं। तो यहाँ पे जो भी डिफ़िकल्टी आनी थी वो स्क्रीन पे दिख गई है। और ये देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, हमारा जो भी वर्डप्रेस इंस्टॉल होना था वो इंस्टॉल हो गया है। और अब हम क्या कर सकते हैं, हम सीधा अपनी साइट पे जा सकते हैं। और साइट पे हमें जाने के लिए यहाँ से देखना पड़ेगा। तो ये देखिए यूएसए वर्डप्रेस की एक डिफ़ॉल्ट साइट यहाँ पे ओपन होगी आपके सामने स्क्रीन पे। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको कस्टमाइज़ करेंगे। कस्टमाइज़ करने के लिए हमें सीधा कुछ नहीं करना है, हमारे वेबसाइट के ऊपर हमें मूव करना है। तो हम सीधा यहाँ से हम अपने पैनल में रीडायरेक्ट कर लेते हैं, और पैनल में रीडायरेक्ट करने के बाद सीधा हमें क्या करेगा, वो हमारा जो पैनल बना है हमारे को पैनल में ले आएगा। और ये देखिए हमारी वेबसाइट का पैनल हो गया है रेडी भाई। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि यहाँ से इसने हमें पैनल में लॉगिन करके दे दिया है। और हमारा जो फर्स्ट टाइम पैनल आएगा वो आपको बिल्कुल ऐसी स्क्रीन दिखेगी। यहाँ पे स्क्रीन पे आने के बाद ये भाई आपका मेन पैनल होता है जहाँ से आपको हर चीज़ मैनेज करनी है। तो इसको हम वर्डप्रेस का पैनल बोलते हैं। जब वर्डप्रेस का पैनल आपके सामने ओपन हो जाएगा तो ऐसा कुछ दिखेगा आपको। तो ये जो सारे फीचर्स हैं, ये आपके सारे फीचर्स आपके लिए इम्पोर्टेंट है, उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि बाकी सारी चीज़ें आपको करनी है। तो वेब स्टोरी के लिए हमें सबसे पहले एक चाहिए थी वेबसाइट। हमने वेबसाइट सेटअप कर दी है, डोमेन हमारा कनेक्ट हो गया है। हमने अब क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में हमें अब थीम कॉन्फ़िगर करनी है। तो थीम के लिए हमें अपने पैनल पे जाना पड़ेगा। हम पैनल पे आ गए हैं और उसके बाद सीधा अपीयरेंस ऑप्शन मिलेगा आपको। अपीयरेंस ऑप्शन के बाद सीधा थीम ऑप्शन में हम जाएंगे, और जैसे ही हम थीम ऑप्शन में जाएंगे तो हमें कोई डिफ़ॉल्ट थीम्स अभी दिखेंगे इसके अंदर। आप ये भी थीम्स यूज़ कर सकते हो और नई थीम भी ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, हम कोई भी एक थीम ऐड कर लेते हैं जो कि हमारे काम की है। और जैसे कि मैंने बताया कि मैं एस्ट्रा और जनरेट प्रेस दो थीम हमेशा रिकमेंड करता हूँ। और यहाँ पे देखिए आप काफ़ी ऑलरेडी थीम इंस्टॉल्ड है इसके अंदर। तो हम क्या करेंगे, हमें एस्ट्रा पे जाना है, तो हम एस्ट्रा इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉल करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा है। जैसे कि आपने देखा एक सेकंड लगी आपको, यहाँ पे हमें क्लिक करना है और उसको एक्टिवेट करना है। तो यहाँ पे हमारी एस्ट्रा हो गई है एक्टिवेट। अब हमें क्या करना है, हमें कुछ भी नहीं करना, हमें दोबारा थीम्स पे जाना है और जो बाकी की थीम्स हैं हमें उनको डिलीट करना है। तो यहाँ से आपको डिलीट का ऑप्शन मिलेगा, हमने ये सारी थीम्स डिलीट कर देनी है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अगर ये नहीं करेंगे तो आपकी वेबसाइट हैवी हो जाएगी और बहुत सारे लोगों को इशू आता है परफॉर्मेंस का, तो बाद में आपको लगता है कि परफॉर्मेंस लो हो गई है। तो ये वन ऑफ द मेजर रीज़न है भाई, ध्यान रखना वीडियो के अंदर बता रहा हूँ, क्योंकि जो एक्स्ट्रा थीम्स होती हैं हमें वो इमीडिएटली रिमूव करनी है। तो ये मैं आपको बता देता हूँ, जब थीम इंस्टॉलेशन होगी जो भी डमी पेज थीम्स हैं वो सारी हमें डिलीट करनी है। तो हमें भाई यहाँ पे हमने जो भी हमारे पास डमी थीम्स हैं, तो डमी थीम्स नीड्स टू बी डिलीटेड, तो भाई ये हमें डिलीट करनी है। और हम इनको डिलीट करते हैं, हम दोबारा से पैनल पे आ जाते हैं और यहाँ पे हम अपनी जो भी एक्स्ट्रा थीम्स थी उनको हम कर देते हैं डिलीट। तो भाई अभी आप देख सकते हो कि सिर्फ मेरे पास एक एक्स्ट्रा थीम ही बची है जो कि अभी हमने इंस्टॉल की थी, इसको हम कस्टमाइज़ भी करेंगे बाद में। तो ये हमारा भाई फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया कि हमने एक थीम बना दी है, और जो अभी हमारा जो डिफ़ॉल्ट पेज ओपन हो रहा होगा यहाँ पे, एक बार उसको चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए हेलो वर्ल्ड आ गया भाई, तो हमारी थीम इंस्टॉल हो गई है सक्सेसफुली, और हमारे को एक ऐसी स्क्रीन दिखाई देगी जहाँ पर आप देख सकते हो कि हमें डिफ़ॉल्ट पेज ओपन होना शुरू हो गया है। तो अब इसके बाद भाई हमें करना क्या है, हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप में जो हमें कुछ डिफ़ॉल्ट पेजेस ऐड करने हैं जो कि बड़े ही सिंपल हैं। आपको लगता है कि वेबसाइट बनाना इतना टफ है, वो इतना कोई टफ नहीं है। एक बार इस वीडियो को आप देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें कोई भी ज़्यादा टफ नहीं है। तो भाई पेजेस पे जाने से पहले मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि आपको जब भी आप वेबसाइट थीम सेटअप कर लो तो उसके बाद आप सेटिंग्स पे जाइए। जनरल सेटिंग में आपको आपके वेबसाइट का टाइटल मिलेगा जो कि हमारा टाइटल है यूएसए एक्सप्रेस ब्लॉग्स, ये हमारे साइट का टाइटल है। यहाँ पे हम टैगलाइन भी कुछ भी रख सकते हैं, जो भी टैगलाइन आपको मेंशन करनी है वो टैगलाइन मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे हमारी वेबसाइट का जो यूआरएल बनेगा वो यूआरएल आ रहा है, प्लस यहाँ पे हमारा टाइम जोन आ रहा है। तो भाई टाइम जोन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि टाइम जोन ही मैटर करेगा कि आपको किस टाइम जोन में आपकी साइट बन रही है। तो इसके लिए बेटर है कि आप ऐसा टाइम जोन सेलेक्ट करें जो आप यूएसए से टारगेटेड हो। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सिंपली गूगल पे जाना है और यूएसए टाइम जोन हम लिखेंगे तो हमारे सामने बिल्कुल सिंपली आ जाएगा कि यूएसए में GMT5 चल रहा है वाशिंगटन का। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, हम अपना GMT सेलेक्ट करेंगे और उसके साथ जाएंगे। तो भाई GMT का हमें सर्च करना है कि GMT टाइम जोन हमें कहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो UTC दिखा रहा है, और GMT अगर हम ढूँढें तो GMT ढूँढ रहे हैं तो हमें GMT का टाइम जोन भाई यहाँ पे हमें अभी नहीं दिखा रहा है। तो हमने यूनाइटेड स्टेट्स सेलेक्ट किया यहाँ पे, और उसके बाद टाइम जोन पे अगर हम जा रहे हैं UTC यूनिवर्सल टाइम है, तो UTC चूज सिटी द नेम, तो भाई अमेरिका का टाइम जोन ले लेते हैं भाई कोई भी हम। तो अमेरिका में हम गूगल में हमने देखा है वाशिंगटन का, न्यूयॉर्क का ले लेते हैं भाई, न्यूयॉर्क का ले लेते हैं हम, न्यूयॉर्क का टाइम जोन हमने उठा लिया है। उसके बाद आप टाइम की सेटिंग कर सकते हैं इसमें, तो अभी मैं फ़िलहाल जो करंट सेटिंग्स है टाइम्स की मैं उसके साथ ही जा रहा हूँ। और उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है भाई जो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, जब तक हमारा पूरा का पूरा थीम सेटअप नहीं होता भाई, तो हमें क्या करना है, एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है सर्च इंजन विजिबिलिटी। अभी हमारे को अपनी वेबसाइट है जो रिपोर्ट नहीं करनी है गूगल को, सो क्योंकि अभी हमारे जो भी URLs वगैरह हैं वो अभी पूरे प्रॉपर सेट नहीं हुए हैं। तो इस ऑप्शन को जब तक आप पूरा सेटअप कर रहे हो, बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं, बाद में बोलते हैं सर्च कंसोल में सर इतने सारे इश्यूज आ रहे थे, तो इसको सिलेक्ट करके सेव करना है आपने। सेव करने के बाद अभी हम परमालिंक्स के ऊपर जाएंगे। परमालिंक्स में एक इम्पॉर्टेंट सेटिंग होती है, बाय डिफ़ॉल्ट कस्टम स्ट्रक्चर पे जाता है, तो हमें पोस्ट नेम से ही रखना है जो भी हमारा URL जाएगा ऑडियंस के पास, उसके हमारा पोस्ट नेम जो भी हम पोस्ट नेम बनाएंगे उसके नाम से ही जाना चाहिए। तो हमने पोस्ट नेम के नाम से URL बना दिया है। तो भाई ये हो गया हमारा बेसिक सेटिंग, और उसके बाद हम जैसे कि हमने कहा था कि हम थीम्स के ऊपर जाते हैं, तो हम यहाँ पे हम थीम्स जो हमने डाली है
ये डिफ़ॉल्ट थीम है भाई, इसको भी हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं, इसमें विजेट्स वगैरह बना सकते हैं। तो जिसके पास फ्री थीम है तो भाई मैं रिकमेंड करूँगा फ्री के साथ जाइए, पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप पेड थीम आपके पास है यूज़ कर सकते हो तो आपको पेड थीम के साथ भी जाना चाहिए, क्योंकि उसमें आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं जो कि आपको हेल्प करते हैं। तो भाई मैं क्या करता हूँ, मेरे पास एस्ट्रा की पेड थीम पड़ी हुई है, तो मैं चाहूँगा कि मैं उसको इंस्टॉल करूँ और इंस्टॉल करके हम एडवांस ऑप्शन यूज़ करें। तो भाई मैंने एस्ट्रा की ये एक पेड थीम मैंने पहले से लेके रखी हुई है, तो मैं इसको इंस्टॉल कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे इसको इंस्टॉल कर रहा हूँ, तो ये अभी देखिए इंस्टॉल हो जाएगी, तो अभी थोड़ा सा टाइम ले रहा है। तो जैसे ही ये इंस्टॉल हो जाएगी फिर हम आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं कि हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। तो भाई ये सारे जो ऑप्शंस मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत ज़रूरी ऑप्शंस होते हैं। देखिए यहाँ पे हमारी थीम इंस्टॉलेशन चल रही है और जो थीम थी हमारी वो इंस्टॉल हो चुकी है, हम एक्टिवेट कर रहे हैं इसको, हमने इसको एक्टिवेट भी कर दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये एक्टिवेटेड हो गई है। तो अब इसके बाद हमें कुछ नहीं करना है, बड़े सिंपल से स्टेप करने हैं, हमें कुछ पेजेस क्रिएट करने हैं। हमारा जो फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गया, हमारा थीम इंस्टॉलेशन हो गया, अब हम क्या नेक्स्ट स्टेप पे जा रहे हैं कि हमें कुछ पेजेस की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि जो अभी हमारी करंट वेबसाइट है वो आपको ऐसे दिख रही होगी। तो इसको डिज़ाइन करने के लिए हमें कुछ बेसिक पेजेस हमें रिक्वायर्ड होंगे। तो उन पेजेस के लिए हमें क्या करना है, सीधा हमें पोस्ट में जाना है। पोस्ट में जाने के बाद हमें क्या करना है, बड़ा सिंपल सा है, पेजेस पे जाना है। ऑल पेजेस पहले चेक करने हैं, ध्यान से चेक करने हैं, और हमें देखना है कोई डमी पेज तो अवेलेबल नहीं है। जो भी हमारे डमी पेजेस हो गए उनको हमें पहले डिलीट करना है, और डिलीट करने के बाद हमें बाकी न्यू पेजेस ऐड करने हैं। तो भाई यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हो एक ही पेज है जो प्राइवेसी पॉलिसी से रिलेटेड है, वो भी ड्राफ्ट में पड़ा हुआ है, लाइव नहीं है, तो इसलिए हमें इसको डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है। हमें क्या करना है, सिर्फ न्यू पेजेस ऐड करने हैं। तो अभी हम क्या कर लेते हैं, हम नया पेज ऐड कर लेते हैं। यहाँ से भी आप क्लिक कर सकते हो, यहाँ से भी आप क्लिक कर सकते हो। तो हमें न्यू पेज ऐड करना है भाई, और न्यू पेज ऐड करने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, फर्स्ट टाइम हमने ये डाला है तो इसलिए ऐसा दिखा रहा है। तो हमारा जो पेज होगा वो एक होम का होगा, तो इसको हम अभी एक फॉर द टाइमिंग हम इसको कर देते हैं पब्लिश। तो भाई ये हमारा पब्लिश हो गया है, उसके बाद हम फिर से वापस जाएंगे और हमारा नेक्स्ट पेज ऐड करेंगे। तो भाई एक वेबसाइट के लिए बेसिक कितने पेजेस की रिक्वायरमेंट होती है, तो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, हमें एक होम पेज चाहिए, हमें अबाउट अस चाहिए, कॉन्टैक्ट अस चाहिए, ब्लॉग चाहिए, कैटेगरी चाहिए, टर्म एंड कंडीशन चाहिए, प्राइवेसी पॉलिसी चाहिए और एडसेंस डिस्क्लेमर चाहिए। तो अभी हम नेक्स्ट पेज ऐड कर लेते हैं हमारा अबाउट अस का, मैंने कॉपी कर लिया है जो मैंने लिखा हुआ था टाइम सेव करने के लिए। तो यहाँ पे हम डाल देंगे अबाउट अस। तो भाई हमारा ये हो गया है सेकंड पेज, जो कि एक मिनट के अंदर बन गया है भाई। तो आपको इसमें कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सारे लोग ये बताते हैं कि बड़ा रॉकेट साइंस है वेबसाइट बनाना, तो आप देख सकते हो भाई कितना टाइम लग रहा है हमें एक पेज बनाने में, हार्डली 10 सेकेंड। तो भाई हमारा सेकेंड पेज भी हो गया है डन। तो हम इसके आगे लिखते जाते हैं तो हमारे को क्लियर रहेगा, ये हो गया डन। अब उसके बाद हमारा सेकंड पेज भी हो गया डन, अब हम बनाएंगे थर्ड पेज कॉन्टेक्ट अस। तो अभी हम थर्ड पेज ऐड कर देते हैं जो कि होगा हमारा कॉन्टेक्ट अस का पेज। तो भाई बूम, ये भी हो गया हमारा रेडी। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर। तो भाई इसके आगे भी हम लिख देते हैं डन, और एक स्टेप और हमारा क्लियर हो गया। एक अच्छे ब्लॉग के लिए भाई आपके पेजेस होना बहुत ज़रूरी है, तो इसमें हम ब्लॉग्स या आर्टिकल के नाम से हम एक पेज क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं एक और पेज ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे, जो हमारा ब्लॉग्स के नाम से होगा, तो इसको भी हम यहाँ पे ऐड करके पब्लिश कर देते हैं, और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट पे चलते हैं। तो आपको बड़ा सिंपली, इससे ज़्यादा सिंपल आपको कोई नहीं बता सकता भाई। तो वीडियो को लाइक कर देना जो अभी तक यहाँ हमारे साथ बना हुआ है, तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को चेक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि नेक्स्ट जो व्लॉग आने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट व्लॉग आने वाले हैं। कैसे हमें लेआउट करना है, कैसे हमें पोस्ट डालनी है, कैसे हमें कीवर्ड रिसर्च करनी है, कंटेंट राइटिंग कैसे करनी है, वो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हम अगले
वीडियोस में कवर करने वाले हैं। तो उससे पहले हम अपना आज का जो हमारा टॉपिक है उस पर वापस आते हैं। हम हमारे इम्पोर्टेंट पेजेस बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमें कैटेगरी का भी एक मैंने पेज ऐड कर दिया। कैटेगरीज जो रहेगी हमारी, कैटेगरीज में स्पेलिंग थोड़ा सा एक बार अवॉइड कर देना, क्योंकि जल्दी जल्दी हम बना रहे हैं कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो। टर्म एंड कंडीशन का भी एक हम एक पेज बना देते हैं। तो टर्म एंड कंडीशन का हमारा एक पेज हो जाएगा। तो ये भी हमारा बन गया है। और एक हमारा पेज हमारा डिस्क्लेमर का रह जाता है। एक पेज ऑलरेडी अवेलेबल है, उसको हम रीनेम कर लेंगे प्राइवेसी पॉलिसी का। तो भाई ये हमारा नेक्स्ट पेज भी हमने ऐड कर दिया है और ये हमारा पेज रेडी हो गया भाई। तो अभी हम चेक कर लेते हैं दोबारा हमारे मेन्यू पे जाके। ये देखिए हमारे सारे पेज बन गए। ये हमारा प्राइवेसी पॉलिसी का पेज है। तो अब एक बार हम फिर से हम स्क्रीन पे देखते हैं भाई। तो ये देखिए आपके सामने होम स्क्रीन पे आपको ये सारे पेजेस दिखना शुरू हो गए हैं भाई। किसी पे भी क्लिक करेंगे तो आपको ये सारे पेजेस दिखेंगे। इन पेजेस को अभी हमने थोड़ा डिज़ाइन करना है, थोड़े रंग डालने हैं, तो वो सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। वीडियो लंबी हो रही है बट स्किप मत करना, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और जितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उतने ही आपको लर्न करनी है और सीखना है, क्योंकि बाद में जाके आपको उतने ही इश्यूज़ कम आने वाले हैं। तो पेजेस का हमारा जो काम था वो हो गया ऑलमोस्ट डन। अभी हमारा जो नेक्स्ट काम आ रहा है वो भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो कि अभी हमें करना है। हमें क्या करना है, हमें करनी है कैटेगरीज क्रिएट। तो हम कैटेगरीज़ के लिए हम अब कहाँ जाएंगे, हम जाएंगे विजेट्स के ऊपर। तो भाई हम जैसे ही विजेट्स के ऊपर जाएंगे तो हमें यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। देखिए यहाँ पे कैटेगरी, हेडर, फुटर, सेक्शन सब आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। आपको दूसरा ऑप्शन भी मिलता है मेन्यू का। आप जैसे ही हम मेन्यू पे क्लिक करते हैं तो आपको ऐसा मेन्यू भी दिखेगा जहाँ पे हमने मेन्यू ऐड करने हैं। तो अभी हमें पहले करने हैं, हम इसको एक काम कर लेते हैं, हम मेन्यू बना देते हैं पहले ऊपर। जब हमारे मेन्यू तैयार हो जाएंगे तो उसके बाद फिर हम कैटेगरी पे मूव करते हैं। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो, आपको हर चीज़ बड़ा डिटेल में बता रहे हैं हम। तो अभी हम मेन्यूज़ बना लेते हैं। और मेन्यूज़ बनाने के लिए आपको क्या करना है, क्रिएट मेन्यू करना है। क्रिएट मेन्यू करेंगे तो हम यहाँ पे हमें लिखना है मेन मेन्यू। तो पहले तो हमारा मेन मेन्यू बनेगा। मेन मेन्यू बनने के बाद हम उसके अंदर अपने सारे पेजेस डालेंगे। तो भाई हमारा मेन मेन्यू अभी बन चुका है और अभी उसके अंदर हमें सेलेक्ट करना है कि हमें क्या क्या रखना है। हम होम रखेंगे, हम कॉन्टैक्टर्स रखेंगे, कैटेगरी रखेंगे और टर्म एंड कंडीशन, और ये सब हमारा जाएगा नीचे की तरफ। तो हमने ये मेन्यू में ऐड कर दिया है। देखिए कितना सिंपल प्रोसीजर है भाई, इसमें कोई भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो इनको हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके हम अपने हिसाब से इसकी अलाइनमेंट कर सकते हैं। तो हमने पहले होम रख दिया है, उसके बाद हमने कैटेगरी रख दी है, फिर ब्लॉक्स रख दिए हैं, एंड देन चलो हम ब्लॉक्स को आगे करते हैं, कैटेगरी कॉन्टैक्टर्स पेज। तो भाई ये हमारा हो गया मेन मेन्यू। अगर किसी मेन्यू को आप इसके सब मेन्यू के तौर पे बनाना चाहते हो तो आप ऐसे उसको सब मेन्यू भी यूज़ कर सकते हो, बट अभी हम इनको सबको मेन मेन्यू की तरह ही यूज़ करेंगे। तो हम इसको कर देते हैं सेव। तो भाई अब दोबारा से मैं आपको साइट पर लेके चलता हूँ और क्या जो चेंजेस हमने किए हैं वो चेंजेस कैसे दिख रहे हैं वो अभी आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट होएंगे। अभी हमने कोई सेटिंग स्किप कर दी है। तो अभी हम क्या कर लेते हैं, मेन्यूज़ को हम शो करते हैं। तो जब मेन्यू शो करेंगे तभी हमें मेन्यू दिखेंगे भाई। तो ये हमने मेन्यू यहाँ पे सिलेक्ट कर लिए, ऑटोमेटिकली ऐड लेवल पेज टू दिस मेन्यू। ये मेन्यू हमने यहाँ डाल दिए हैं। अब इन मेन्यूज़ को हमें व्यू मेन्यू हो गया हमारे मोस्ट, तो हमने ये मेन्यू जो है ब्लॉक्स कैटेगरी होम, ये जो हमारे मेन्यूज़ हैं इनको हमने सेव कर दिया। तो इसको हटा देते हैं, ये हमारे हो गए हैं सेव। और अब ये हम वेबसाइट पे जाके देख लेते हैं। तो हमें अभी वेबसाइट पे ये मेन्यूज़ दिखना शुरू हो जाएंगे। तो ये मेन्यू क्रिएट होने के बाद
हमें डिस्प्ले लोकेशन दिखाना है प्राइमरी मेन्यू में, तो हमने ये हमें प्राइमरी मेन्यू में हमने इसको डाल दिया है। और ये देखिए हमारे जो हमने सेलेक्ट किए थे भाई, वो सारे मेन्यूज़ यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। तो अभी हमारे मेन्यूज़ हो गए हैं ऐड भाई। अब सर आप बोलेंगे सर मेन्यूज़ भी बन गए हैं, अब हमारा हेडर भी हमें दिखने लग गया है, तो इसमें हम लोगो कैसे ऐड करेंगे? तो भाई मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें लोगो ऐड करना है। तो हम क्या करेंगे, हम कस्टम में जाएंगे। कस्टम में जाने के बाद हम सिंपल सा है हमारा हेडर बिल्डर में जाएंगे हम, और साइट लोगो में जाएंगे हम, और यहाँ पे हम अपना सेलेक्ट करेंगे जो भी हमारा हमने लोगो बनाया है। तो भाई हमारा लोगो बन गया है, और हम अपने लोगो में ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं भाई जो आपको स्किप नहीं करनी है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है। एक्सप्रेस ब्लॉग्स, क्योंकि जो टाइटल और ये सारी चीज़ें हमें डालनी हैं, ये हमने बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है। और ये जो चीज़ें हम डाल रहे हैं ये एज एन हमारे मेटा टैग काम करती है, तो हमने बिल्कुल एज इट इज़ रख लिया है और इसको सेव कर दिया है। और सेव करने के बाद अभी हम देखते हैं कि हमारे हेडर में हमारा मेन्यू दिखना शुरू हो गया है। तो भाई इसमें आप टाइटल वगैरह ये चीज़ें आपको रखनी है नहीं रखनी है, ये आपके सारे चॉइसेस हैं। तो ये आप जैसे जैसे आप करेंगे आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी, और इसको आप यहाँ पे शो कर सकते हैं। तो ये एक बार मैं जैसे डिलीट कर देता हूँ तो मेरा ये ऐसा दिखेगा। इसकी मैं विड्थ हाइट छोटी कर सकता हूँ, तो जितना भी साइज़ मुझे चाहिएगा मैं उतना साइज़ यहाँ पे लगा के एक बार पब्लिश करके दिखा देता हूँ आपको, सो दैट आपको भी पता लगे कि हम कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं। तो भाई उम्मीद कर रहा हूँ कि वीडियो यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी कैसे हमने हेडर बनाया है। भाई इसका कलर वगैरह भी आप सब यहाँ से चेंज कर सकते हो, आप हर चीज़ पे आप यहाँ पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हो भाई। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है, और यहाँ से डिज़ाइन में जाके टाइटल कलर वगैरह सब, टैग लाइन का कलर है, स्पेसिंग है, आप हर चीज़ को यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। तो अभी हमने प्राइमरी मेन्यू भी सेट कर दिया है हमारा, उसका भी कलर आप चेक कर सकते हो, हमने बाकी चीज़ें भी यहाँ पे सेट कर दिए। तो भाई अब यहाँ से हमारा जो मेन्यू का था और लोगो जो ऐड करना था वो हो गया है हमारा। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे साइट पे दिख रही है जो मिसिंग है वो है हमारा फूटर। तो भाई फूटर में अभी देखो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, फूटर में ऑलरेडी फूटर बना हुआ है बाय डिफ़ॉल्ट, और फूटर पे आपको कॉपीराइट जो थीम का हमारा बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शन मिल रहा है, तो वो हम आप देख पा रहे होंगे। तो अभी हम क्या करते हैं, फिर से हम कस्टमाइज़ पे जाएंगे। कस्टमाइज़ पे जाने के बाद हमें सिंपली कुछ नहीं करना है, यहाँ पे हमारे फूटर बिल्डर में जाना है हमने। और फूटर बिल्डर में आप देख सकते हो कि हमें यहाँ पे काफ़ी चीज़ें पहले से दिख रही हैं। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो ऑथर है तो ऑथर में हम चेंज कर सकते हैं यहाँ पे US से X, अभी हमारा क्लिक नहीं हुआ यहाँ पे, US से एक्सप्रेस ब्लॉग्स। तो भाई हमने सेव कर दिया है, ठीक है, ये हमारा पब्लिश हो जाएगा, ये हमारा पब्लिश हो गया है। इसके साथ भाई हमें कुछ चीज़ें और भी ऐड करनी है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हम अपने हिसाब से हमारा फूटर मेन्यू ऐड कर सकते हैं। फूटर मेन्यू ऐड करने के लिए उसको उससे पहले आपको इस मेन्यू को बनाना पड़ेगा, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है वीडियो का। तो यहाँ पे हमने जैसे एक मेन मेन्यू बनाया, तो हम अब दूसरा मेन्यू बनाएंगे यहाँ पे, जो कि हमारा होगा फूटर मेन्यू। तो भाई अब हम फूटर मेन्यू क्रिएट कर लेते हैं, और फूटर मेन्यू में जाके हम तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, इस पेज को एक बार रिफ्रेश करके हम नया मेन्यू क्रिएट करते हैं जिसका नाम होगा हमारा फूटर मेन्यू। फूटर मेन्यू में हमें क्या क्या ऐड करना है भाई, वो सारी चीज़ें आपको लाइव वीडियो में दिखेंगी। और यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे फूटर मेन्यू, यहाँ पे हम इसको क्रिएट करेंगे, और ये हमारा फूटर मेन्यू क्रिएट हो गया भाई। और इसमें हमने जैसे कि हमने एडसेंस डाला है, टर्म एंड कंडीशन डाली है,
और इसके बाद हम अपना यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस होम पेज वगैरह भी, होम पेज की तो जरूरत नहीं होती यहाँ पे, तो ये हम इसमें ले सकते हैं और ये हम इसको ऐड टू मेन्यू कर सकते हैं। तो ये हमारा मेन्यू में ऐड हो जाएगा और इसको हम सेव कर देंगे और उसके बाद हम फिर से जाएंगे कस्टमाइजेशन के ऑप्शन के ऊपर जहाँ पे हम इसको कस्टमाइज़ करेंगे। तो अभी हम फिर से जाते हैं कस्टम अपीयरेंस में, कस्टमाइजेशन के ऊपर जाते हैं और फूटर बिल्डर पे जाते हैं। फूटर बिल्डर पे जाने के बाद ये जो ऑप्शन मुझे मिल रहा है इसमें मैं फूटर मेन्यू ऐड करता हूँ और फूटर मेन्यू ऐड करने के बाद तो मैं इसको कॉन्फ़िगरेशन पे जाता हूँ और यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे फूटर मेन्यू। और फूटर मेन्यू पे जाने के बाद हमें एक ऑप्शन यहाँ फूटर मेन्यू का यहाँ पे सेलेक्ट करना है और उसके बाद हमें जस्ट इसको पब्लिश करना है। और जैसे ही आप पब्लिश करेंगे तो आपका फूटर मेन्यू तैयार हो जाएगा। तो मैं आपको रिफ़्रेश करके एक बार फिर से स्क्रीन पे दिखा देता हूँ भाई, मेरा जो फूटर मेन्यू है वो भी ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। और यहाँ पे आपको बहुत सारे और ऑप्शन मिलते हैं जिसके थ्रू आप वेबसाइट को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमने देखा फूटर मेन्यू का ऑप्शन हमें मिला, फूटर मेन्यू में हमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कस्टमाइजेशन के लिए हमें ईजी होती है। फूटर मेन्यू पर हमने क्या किया भाई, फूटर मेन्यू बिल्डर पर गए हम, डिज़ाइन पे गए, डिज़ाइन के बाद हम इनका जो भी विड्थ वगैरह हाइट वगैरह हमें चेंज करनी है तो हम इसको कस्टम कर सकते हैं। और यहाँ से टॉप बॉटम जो भी आपको चेंज करना है आप चेंज कर सकते हो, पैडिंग चेंज कर सकते हो, मार्जिन चेंज कर सकते हो, बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हो। यहाँ से अगर आपको बैकग्राउंड कलर ब्लैक लेना है, जो भी लेना है आप वो कलर ऐड कर सकते हो। जैसे कि मैंने वाइट लेना है तो मैं वाइट ले सकता हूँ, ब्लैक लेना है तो आप ब्लैक ले सकते हो। ब्लैक में कितना ब्लैक लेना है आप वो सब ऐड करके और इस पर पब्लिश कर सकते हो। तो ये हमारा बैकग्राउंड कलर इमेज हो गया है इसका। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको कस्टम पे डिज़ाइन करेंगे। पैडिंग स्पेसिंग आ गया, ये अगर हमें स्पेसिंग या फुटर साइज़ अगर छोटा करना है तो हम छोटा कर सकते हैं, अगर हमें बड़ा करना है तो हम बड़ा कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस हमारे पास ऐसे अवेलेबल रहेंगे, तो आप इसको कैसे भी यूज़ कर सकते हो। तो अभी फॉर द टाइमिंग इसको हम यहाँ छोड़ देते हैं और आपको दिखा देते हैं कि हमारा फूटर मेन्यू भी रेडी हो चुका है। तो भाई बेसिक चीज़ें जो थी हमारी दो हमने वो ऑलरेडी कवर कर दी है। अब हमारा जो वेबसाइट है वो ऐसा दिख रहा है, ऑलमोस्ट हमारा हेडर बन गया है। हेडर का बैकग्राउंड कलर आप चेंज कर सकते हो, बिल्कुल ईजी है। यहाँ भी आप चेंज कर सकते हो, इनका साइज़ वगैरह थोड़ा बहुत आप ऊपर नीचे कर सकते हो। अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है वीडियो का, हम उस पर मूव करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने ये सारी मेन्यू भी हमने बना दिया है, उसके बाद हमने क्या किया है भाई, नेविगेशन भी हमने ऑलमोस्ट रेडी कर दिया है और होम पेज का हमारा डिज़ाइन हो चुका है, हमने पब्लिश कर दिया है। अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा आता है प्लगइन्स, जो इम्पोर्टेंट प्लगइन्स है भाई, अब हमें वो इंस्टॉल करने हैं और वो भी बड़ा ईजी है, उसमें भी कोई ज़्यादा टफ चीज़ें नहीं है। हमें जाना है सीधा प्लगइन्स पे, ऐड न्यू प्लगइन्स करना है। प्लगइन्स पे जाने से पहले हमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ और चेक करनी है, जो हमारे एग्जिस्टिंग प्लगइन्स हैं हमें उनको पहले डीएक्टिवेट करना है। एक्स्ट्रा तो अभी हमने डाला है और फिर इसको हमें डिलीट करना है भाई, क्योंकि हमें एक्स्ट्रा प्लगइन्स की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हमने प्लगइन ऐड कर दिया है और जैसे ही हमारा प्लगइन ऐड हुआ है तो प्लगइन डिलीट कर दिया है हमने। तो प्लगइन डिलीट होने के बाद अभी हमें नेक्स्ट प्लगइन डालना है जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट प्लगइन है। और वो कौन कौन से प्लगइन है जो हमें डालने हैं, मैंने यहाँ पे नोट डाउन किए कि भाई नाउ वी हैव रिक्वायर्ड पेजेस, हेडर फुटर सब बन गया भाई, अभी हमें क्या करना है, हमें प्लगइन्स डालने हैं। तो प्लगइन के लिए भी सबसे पहले नंबर पर जो मैंने रखा है लाइट स्पीड प्लगइन, जो कैशे क्लियर करता है, आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस को मेंटेन रखता है। तो हमें स्पीड प्लगइन हमें डालना है, तो हम यहाँ पे लाइट स्पीड प्लगइन, यहाँ पे ऐड न्यू प्लगइन पे हम करेंगे क्लिक और यहाँ पे हम लाइट स्पीड प्लगइन, लाइट स्पीड से भी सर्च करोगे तो आपको लाइट स्पीड प्लगइन मिल जाएगा। लाइट स्पीड प्लगइन हम इसको सर्च कर लेते हैं, तो जो हमारा लाइट स्पीड प्लगइन है वो हमारा हमें LITE है भाई, तो मैं स्पेलिंग गलत डाल रहा हूँ, LITE स्पीड प्लगइन यही ढूंढना है हमें। तो ये मिल क्यों नहीं रहा है,
लाइट स्पीड प्लगइन एक बार फिर से हम सर्च कर लेते हैं। लाइट स्पीड कैशे हमारा यही प्लगइन है भाई जो हमें इंस्टॉल करना है। आप कोई भी प्लगइन आपके हिसाब से इंस्टॉल कर सकते हो, बट जो हम मैंने रिकमेंड किया है कि ये एक बेटर प्लगइन है, जो रॉकेट WP रॉकेट जो पहले प्लगइन आता था उसका रिप्लेसमेंट है, और इसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं। 4+ मिलियन इसके यूज़र्स हैं और ये हमने डाल दिए जो कि आपकी कैशे को मैनेज करता है। यहाँ पे आप क्लिक करके पर्ज ऑल कर सकते हो, या फिर आप इमेज ऑप्टिमाइजेशन भी कर सकते हो, जो भी आपको ऑप्शंस बेटर लगे आप वो यूज़ कर सकते हो। तो हमारा फर्स्ट प्लगइन जो है वो इंस्टॉल हो गया है। अब हम सेकंड प्लगइन हमें क्या चाहिएगा, हमें चाहिएगा सिक्योरिटी प्लगइन। सो हमें सिक्योरिटी प्लगइन डालना है जो हमारी वेबसाइट को सेफ रखे, सिक्योर रखे। तो उसके लिए हमें भाई सेकंड प्लगइन ऐड करना है। सेम ऑप्शन है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको डरने की ज़रूरत है। ऑल इन वन सिक्योरिटी जो एक प्लगइन है जो फ्री है, आप यूज़ कर सकते हो, जो आपकी वेबसाइट को सिक्योर रखता है। जो भी मॉलवेयर वगैरह अटैक्स हैं, जितने भी अटैक्स आते हैं, तो बेसिक आपको प्रोटेक्शन मिल जाती है यहाँ से। तो हम इसको साथ के साथ ही एक्टिवेट कर देते हैं। तो ये प्लगइन भी हमारा एक्टिवेट हो गया है, ये भी हमने डन कर दिया है। एंड उसके बाद भाई आप एक जेट पैक करके एक प्लगइन आता है भाई, आप वो भी यूज़ कर सकते हो, वो भी अच्छा प्लगइन है। बट मेरे को ये प्लगइन अच्छा लगता है तो मैंने ये इंस्टॉल कर दिया है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा जो इम्पोर्टेंट प्लगइन है भाई, वो हमारा साइट किट है गूगल का, जो हमारे को हर चीज़ में हेल्प करता है। तो हमें एक साइट किट भी इंस्टॉल कर देना है। साइट किट का क्या यूज़ है, कैसे यूज़ करना है, कैसे कॉन्फ़िगर करना है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि अगर इस वीडियो में करेंगे तो हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो उसके बाद भाई हमारा एक और प्लगइन जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लगइन है, वो है रैंक मैथ। तो रैंक मैथ हमारे को इंस्टॉल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रैंक मैथ हमें SEO में हेल्प करता है, हमारे आर्टिकल्स को रैंक करने में हेल्प करता है। तो रैंक मैथ एक हम प्लगइन को सर्च कर लेते हैं और हमारे सामने प्लगइन आ जाता है, और कितना फास्ट परफॉर्मेंस है अभी वेबसाइट की आप देख सकते हो। तो हमने रैंक मैथ भी हमने इंस्टॉल कर दिया है, बट मैं अभी इसको एक्टिवेट नहीं करूँगा। हम चाहेंगे कि इसको हम बाद में एक्टिवेट करें, क्योंकि इसको एक्टिवेट करने के लिए आपको पूरा कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो इसको एक काम कर लेते हैं, अभी हम फॉर द टाइमिंग इसको डीएक्टिवेट कर देते हैं, क्योंकि इसके ऊपर एक फुल वीडियो आएगा जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारे करियर के लिए, और इसके लिए हम एक सेपरेट पूरा डिटेल्ड वीडियो डालेंगे। तो इसको हम अभी के लिए छोड़ देते हैं भाई। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा एम्प। स्मैश भी आप कर सकते हो। स्मैश आपका क्या होता है कि जब आप वेब स्टोरीज पे मूव करेंगे तो स्मैश करके एक आता है, वैसे तो लाइट स्पीड कैशे भी आपको हेल्प करता है। तो स्मैश करके जो एक प्लगइन है तो वो आपको हेल्प करता है इमेजेस कस्टमाइज करने के लिए। तो आपकी इमेजेस जो होती हैं वो कस्टमाइज हो जाती हैं, तो कस्टमाइजेशन के लिए आपको स्मैश का यूज़ करना है। तो स्मैश हमने सर्च कर लिया है, इसको हम इंस्टॉल कर देते हैं, क्योंकि आपका जो वेब स्टोरी है वो मैक्सिमम इमेजेस पे चलती है। तो जितनी ज़्यादा इमेजेस साइट पे जाएंगे तो उतना ही ज़्यादा साइट पे लोड बढ़ता जाएगा। तो बेटर है कि हम जो हमें रिक्वायर्ड प्लगइन है हम उसको इंस्टॉल करें। और भाई लास्ट में जो हमारे प्लगइन आते हैं वो आते हैं हमारे दो इम्पोर्टेंट प्लगइन जो कि वेब स्टोरी से रिलेटेड है, जो कि आने वाले टाइम में हम यूज़ करने वाले हैं। तो उसके पहले हम कर लेते हैं वेब स्टोरी। गूगल का जो प्लगइन है हम डिफ़ॉल्ट प्लगइन यूज़ करेंगे, यहाँ पे भी आपको बहुत सारे प्लगइन मिल जाते हैं, बट हम गूगल का ही जो प्लगइन है वही इंस्टॉल करेंगे। और वो प्लगइन इंस्टॉल हो गया है विद इन सेकेंड भाई, आप देख सकते हो, और मैंने इसको एक्टिवेट भी कर दिया है, ठीक है। अब उसके बाद हमें वेब स्टोरी रन करने के लिए भाई एम्प बहुत ज़रूरी है, जो कि गूगल के द्वारा रिकमेंडेड है। एम्प का मतलब क्या होता है कि एम्प आपके इमेजेस को, आपके स्क्रीन्स को रीसाइज करता है एज़ पर कंपेटिबल डिवाइस। तो गूगल हमेशा रिकमेंड करता है कि आपके वेब स्टोरी प्लेटफॉर्म पे एम्प प्लगइन होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम एम्प भी इंस्टॉल कर देते हैं। तो भाई हमने एम्प भी इंस्टॉल कर दिया है, और इसको भी हम
एक्टिवेट नहीं करते हैं, एम्प हम बाद में एक्टिवेट करेंगे जब हम वेब स्टोरी स्टार्ट करेंगे। तो भाई ऑलमोस्ट सारे के सारे प्लगइन हमारे सामने हैं जो कि हमने इंस्टॉल कर दिए हैं। नेक्स्ट जो हमारी वीडियो आएगी, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, उसमें हम कवर करेंगे कैसे हमें हमारे आर्टिकल डिज़ाइन करने हैं, टेम्पलेट डिज़ाइन करना है, होम पेज डिज़ाइन करना है, तो वो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। यहाँ पे हमें बेसिक सेटअप जो साइट का है हमने ऑलमोस्ट पूरा कर दिया है, कवर कर दिया है। इसमें हम एक चीज़ और ऐड कर लेते हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कुछ लोग डिफ़ॉल्ट आप जो एडिटर है इसका, लाइक जैसे कि हम पोस्ट पे जाते हैं कोई भी आर्टिकल ऐड करने के लिए, ऐड न्यू पोस्ट करते हैं हम, तो ये हमारा डिफ़ॉल्ट जो वर्डप्रेस का डिफ़ॉल्ट एडिटर है, आप ये यूज़ कर सकते हो। टाइटल डाल सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो, यहाँ से आप कैटेगरी चूज़ कर सकते हो, टैग्स लगा सकते हो, फीचर इमेज ऐड कर सकते हो। बट कुछ लोग एडवांस करना चाहते हैं भाई, तो बेस्ट डिज़ाइन बनाना चाहते हैं, कस्टमर एक्सपीरियंस अच्छा करना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं सुजेस्ट करता हूँ कि हमारे पास एक एडवांस एडिटर होना चाहिए। एडिटर का मतलब जहाँ पे हम सारी चीज़ें एडिट करेंगे, हम अपनी एक अच्छी सी पोस्ट बनाएंगे, एक अच्छा आर्टिकल बनाएंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सिंपल है, हमें एक और प्लगइन ऐड करना है और वो होगा एलिमेंटर। तो हम क्या करेंगे, अपलोड प्लगइन में जाएंगे, सॉरी अपलोड नहीं, न्यू प्लगइन में जाएंगे, ऐड न्यू प्लगइन करेंगे। अगर आपको कोई एक्सटर्नल प्लगइन ऐड करना है तो उसमें अपलोड कर दें, एलिमेंटर हम सर्च करेंगे। तो एलिमेंटर हमने सर्च किया, एलिमेंटर हमने सर्च कर लिया भाई। तो जैसे ही हमारे पास एलिमेंटर आ जाएगा तो हम इसको इंस्टॉल कर देंगे। एलिमेंटर इंस्टॉल हो जाएगा तो हमें थोड़े एडवांस फीचर मिल जाएंगे, जहाँ से हम अपनी पोस्ट को अच्छे से डिज़ाइन कर सकते हैं, अच्छे से एक्टिवेट कर सकते हैं, अच्छी चीज़ें लगा सकते हैं, इमेजेस अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो भाई जो भी हमारे रिक्वायर्ड प्लगइन थे ऑलमोस्ट हो चुके हैं इंस्टॉल्ड। अब मैं आपको बताता हूँ कि बड़ा सिंपल सा ऐड न्यू पोस्ट करते हैं तो हमारे को फर्स्ट एडिटर यही मिलता है। यहाँ से अगर हम इसको एडिट करना चाहते हैं एलिमेंटर के थ्रू, तो हमें क्या है, ये सीधा एलिमेंटर पे लेके जाएगा, जहाँ पे हमें एडवांस फीचर मिलते हैं, जहाँ से हम इजीली हेडर पुश डाल के इमेजेस, अगर हमें ऊपर हेडर डालने हैं तो हम यहाँ पे हेडर डाल सकते हैं। हेडर में हम कुछ भी हमें टाइप करना है तो बड़ा इजी है, तो हम यहाँ पे आराम से टेस्ट आर्टिकल ऐड करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमें अगर नेक्स्ट कुछ चाहिए, हमें इमेज ऐड करनी है, कुछ भी ऐड करना है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा यहाँ से एक कंटेनर उठाते हैं और यहाँ डाल देते हैं। तो इसके ऊपर हम भी नेक्स्ट वीडियो बनाने वाले हैं। अभी इसको मैं डाल देता हूँ ड्राफ्ट के अंदर, क्योंकि अभी हम कुछ भी पब्लिश नहीं करने वाले हैं। तो हम सीधा एग्ज़िट करते हैं और वापस हमारे पैनल के ऊपर आ जाते हैं जो कि हमारा डिफ़ॉल्ट है। तो ये हेलो वर्ल्ड आपका डिफ़ॉल्ट पेज है, एक पेज ये है, दोनों हमें हेलो वर्ल्ड का जो डिफ़ॉल्ट है हमारा पेज वो अभी हमें नहीं चाहिए। तो हमें क्या करना है, इसको हमने डिलीट करना है। तो डिलीट करने के लिए हम इसको ट्रैश में डाल देंगे और एलिमेंटर का भी जो अभी हमने बनाया है इसको भी हम फिलहाल के लिए डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के बाद हमारे पास अभी कोई भी पेज अवेलेबल नहीं है जो कि हम बाद में बनाएंगे। तो भाई अभी क्या है, हमारा ऑलमोस्ट इनिशियल सेटअप जो था वो हो चुका है कम्प्लीट। हमारी वेबसाइट अभी आपको आप देख सकते हो स्क्रीन पर बिल्कुल ऐसे दिख रही है। इसको थोड़ा बहुत उससे जाएंगे कस्टमाइज़ करेंगे, पर क्योंकि ब्लॉगिंग कैरियर में अगर आपको आगे बढ़ना है, कामयाब होना है, तो सारी चीज़ें आपको थोरली आनी बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ें अगर आप कवर कर ले तो एक वेबसाइट आप चुटकियों में सेटअप करने लग जाओगे भाई। और नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि कैसे हमें एक पोस्ट डिज़ाइन करनी है, क्या क्या चीज़ें कवर करनी है, कैसे हम इम्प्रेसिव पोस्ट बना सकते हैं जिससे कस्टमर एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा हो। तो भाई जो हमारा ब्लॉगिंग का फ्री कोर्स है, इसमें इतनी डिटेल में आपको किसी ने नहीं सिखाया होगा। एक पूरा वीडियो हमने बनाया जो फर्स्ट टाइम वीडियो आपके सामने आ रहा होगा, अभी तक यूट्यूब पे मैंने इतना डिटेल में वीडियो कहीं नहीं देखा है। तो भाई उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको जो चीज़ें थी वो सारी समझ में आ गई। अगर समझ में नहीं आई तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम के थ्रू, आप टेलीग्राम पे भी मुझे टेक्स्ट कर सकते हो, या YT चैनल पे भी आप कमेंट कर सकते हो। और कमेंट कर दो भाई, बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, ये कोर्स सिर्फ आपके लिए आ रहा है। और नेक्स्ट वीडियो में हम जो चीज़ें कवर करने वाले हैं मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दी है। इस वीडियो के लिए एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उम्मीद कर रहा हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और मैं बैठ से कह सकता हूँ कि ये सारी वीडियोस आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं। तो भाई अभी आज के लिए अलविदा लेते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक अपना ध्यान रखो और
आप मेहनत करते रहो। जिसने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी वो पहले वीडियोज़ देख लो जाके, ये वीडियो भी अच्छे से कवर कर लो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखो, मस्त रहो, खाते पीते रहो, मौज करो, और डरना नहीं है, कमा के दिखाएंगे भाई।